अब नेक्स्ट प्रोसीजर, अगर हम अब कनेक्ट करना चाहते हैं T304F प्लस मशीन को एक वाईफाई नेटवर्क के साथ, तो उस प्रोसीजर के लिए मैन्यू प्रेस करेंगे, सेटिंग्स, कम्युनिकेशन, वाईफाई में जाएंगे, यहाँ पे हम यूज़ वाईफाई इनेबल करेंगे। वाईफाई अडैप्टर इनेबल होने के बाद हम स्कैन वाईफाई हब में जाके अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क्स को स्कैन करेंगे। लाइक हमारा ट्रस्टेड वाईफाई नेटवर्क है सेकेंड फ्लोर 4G, सेलेक्ट करेंगे। इफ़ आपका पास अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक में है तो पावर की मदद से आप कीबोर्ड लेआउट चेंज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स पे आने पे अप एंड डाउन किक के साथ आप स्पेशल कैरेक्टर्स चूज़ कर सकते हैं। इफ़ आपके पास वर्ड में किसी तरह का कैप्स आ रहा है तब ज़ीरो प्रेस करके अप एरो आते वक्त आप की प्रेस करके कैप्स वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। लेकिन हमारा पासवर्ड फुल्ली न्यूमेरिक है तो हम यहाँ पे न्यूमेरिक कीबोर्ड चूज करके पासवर्ड इंसर्ट करेंगे। वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है। सक्सेसफुली कनेक्ट होने पर जिस वाईफाई नेटवर्क के साथ आप सक्सेसफुली कनेक्ट होंगे उसे ये रेड या ऑरेंज शो करेगा। नेटवर्क का आईपी लेने के लिए आप यहाँ पे DHCP इनेबल करिए ताकि राउटर आपको आईपी अलॉट कर सकते हैं। यहाँ पे आईपी अलॉट हो चुकी है, हमारी मशीन को जो आईपी अलॉट हुई है वो है 192.168.0.180। यहाँ पे शो कर रहा है वाईफाई का सिग्नल वाइट है, इसका मतलब वाईफाई नेटवर्क से हम कनेक्टेड हो चुके हैं। तो ये था प्रोसीजर T304F प्लस मशीन को किसी भी